कल दोपहर में 4:30 बजे के लगभग मालेगांव शहर के दो लड़के साजिद शेख रहीम और सुल्तान शेख अयूब, ये दोनों बच्चे कल जानवर लेकर आ रहे थे। कुछ समाज कंटक लोगों ने, गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने, गौ रक्षक अपने आप को बोलने वाले लोगों ने उनको पीछा करके डेरा चौफुल्ली के पास उनको रोका और रोकने के बाद उनको बेतासा मारा गया। मैंने आपको वीडियो डाला जिसके अंदर उन्होंने उसको मारा है। जब वो मार रहे थे तो उनके मुंह से, आंखों से खून निकल रहा था, तो वो चिल्ला रहे थे। जब ये मारते थे तो चिल्लाते थे, या अल्लाह, अरे अल्लाह, अरे अल्लाह बोलते थे। तो ये लोग बोल रहे थे, बोले नहीं, जय श्री राम बोलो। इसका मतलब ये ऐसे लोग हैं जो शहर का अमन ख़राब करना चाहते हैं। इसके पहले भी मैंने 1-1.5 महीना पहले ये लोगों ने एक महस की गाड़ी को रोक के पूरी महसे उतार लिया था। मैंने उस वक्त तो भी तालुका पुलिस स्टेशन के PI रवि मगर साहब से ये बात कही थी। उन्होंने स्वतः गाड़ी ले जाकर स्पॉट के ऊपर उनको ढूंढ कर निकाला और 5 महस में से इनको 4 महस इन्होंने ताबे में दिलाए। और ऐसा बोले कि एक महस भाग गई। आज तक के 1 से 1.5 महीना हो गया, वो महस कोई मिली नहीं। इस तरीके की हमेशा गुंडागर्दी करते हैं ये लोग। ठीक है, अगर तुमने जानवर की गाड़ी पकड़े भी थे तो तुमने पुलिस को बुला के उसके दावे में देना था। इस तरीके की मार झोड़ कर रहे। मैंने कल IG साहब शेखर राव साहब को भी मैंने कल उसका वीडियो डाला और हमारे सीनियर SP साहब उमब जी को भी मैंने वीडियो डाला। और आज सुबह हमारे एडिशनल SP अनिकेत भारती साहब से भी बात किया और उनको कहा कि इनके खिलाफ़ गुना दाखिल होना चाहिए, मॉब लिंचिंग का गुना दाखिल होना चाहिए। अभी हमारे नेता का फ़ोन आया था, आरिफ नसीम खान साहब का, उन तक कि किसी ने वीडियो भेजी। उन्होंने मेरी सब बात को सुना और उन्होंने मुझको कहा कि मैंने वापस, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैंने जिला SP साहब को बोल दिया हूँ और वो गुना दाखिल करेंगे। हम शाम तक के देख लेंगे, गुना दाखिल हो तो ठीक है, नहीं तो कल 12 बजे के बाद एक वफ्द की शक्लों में जाकर साहब को एक मेमोरेंडम देंगे और उसके अगर उतने टाइम तक का गुना दाखिल नहीं होगा तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये किसी के दबाव और प्रेशर के अंदर काम कर रहे। तो हम अंबेडकर जी के पुतले के पास वहाँ पर हम बैठ जाएंगे। कानून सबके लिए है, हम पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर कल दोपहर के बाद वहाँ पर बैठ जाएंगे अगर कल तक के गुना दाखिल नहीं हुआ तो। और इनकी हमेशा की दादागिरी हो गई है। इसके पहले भी कौन भूरिया सूर्यवंशी करके है, इसने रिवॉल्वर, दो दो रिवॉल्वर निकाला था, मैंने इसकी भी शिकायत की है। तो ये गांव के अंदर ये क्या चल रहा है, पुलिस के ऊपर इनका ध्यान नहीं है कि दुश्मन ये क्या क्या कर रहे हैं? तो कभी भैंस बेच डाल रहे, कभी किसी की गाय बेच डाल रहे। ये अगर पकड़ कर, ठीक है ना, पुलिस के दावे में देना चाहिए इन्होंने। ये बार बार ये कर रहे हैं कि उठाकर जो है ये जानवर इसमें से निकालते और बेच डालते। कल इन्होंने जिस तरीके की हरकत की, ये हरकत अच्छी नहीं है, ये बराबर बात नहीं है। ये एक तरफ मार रहे और दूसरी तरफ इनको बोल रहे जय श्री राम का नारा लगा के। आप वीडियो में दे सकते हैं, मैंने आपको वीडियो दिया हो। अगर ये हरकत से अपनी बात नहीं आई और ये शहर का अगर अमन ख़राब हुआ तो इसका जिम्मेदार उस शहर का प्रशासन होगा। मेरा यही बोलना है प्रशासन से। दोनों बच्चों को कल जमा कर दिया गया था, आज पुलिस ने उनको कोर्ट के अंदर लेकर गई, जबकि पहले उनका इलाज करना था। उनको इतनी मार लगी हुई बुरी तरीके की कि वो रात भर परेशान थे। मुझको रात में भी 2-3 लोग ने फ़ोन करके बोले कि साहब उनको बहुत तकलीफ है। पुलिस ने मेडिकल कराई, उनको लॉकअप में डाल दी और वो अभी के अंदर है। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है जहाँ 2 दिन की PC है। पुलिस ने ध्यान देना चाहिए, ऐसे जो समाज दुश्मन कंटक लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मेरा IG साहब हो, जिला SP हो, चाहे लोकल प्रशासन हो, हमारे रजिस्टर SP साहब से भी सुबह मेरी बात हुई है। कल तक के क्या कार्रवाई करते हम देख लेंगे। इनके खिलाफ़ अगर गुना दाखिल नहीं हुआ और मारने वाले एक नहीं अनेक लोग हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, बुरी तरीके से इनको मारा जा रहा है। पुलिस तो इस तरफ आए तो इलाके के अंदर मुस्लिम लोगों को इन्हें अमन कमेटी के नाम पे जगह जगह इन्हें जमा करके अमन कमेटी की अमन की बात करती है। और अभी कल या परसों के दिन कुछ लोगों का इस्तकबाल भी हुआ कि भाई गणपति बहुत अमन शांति रखती है। तो अमन और शांति की बात सिर्फ एक ही तरफ होती है, दूसरी तरफ क्यों नहीं होती? ऐसा है कि समाज चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसके अंदर सब लोग नहीं चाहते कि शहर का अमन ख़राब हो। कुछ लोग अगर इस तरीके की हरकत समाज में करते हो तो पुलिस का काम इनके ऊपर कार्रवाई करने का। चाहे मुसलमान हो वो भी चाहता है अमन हो, चाहे हिंदू समाज का आदमी हो वो भी चाहता है कि भाई अमन शहर के अंदर है। बहरहाल कोई भी दोनों समाज के अंदर कुछ समाज कंटक लोग जो ऐसे हरकत कर रहे हैं, जिन्होंने कल मॉब लिंचिंग किया, मैं तो मॉब लिंचिंग ही बोलूँगा,
अगर वो बच्चे लोगों को सर के अंदर कम ज़्यादा का डंडा सर में लग जाता और कुछ होता, आप देख लो कितनी बेदर्दी से मार रहे, तो इसके अंदर शहर का अमन ख़राब हो सकता था। इसके लिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इनके खिलाफ़ कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए, मेरा यही बोलना है आप लोगों से।